दोस्तों, पैन कार्ड एक जरूरी दस्तावेज है और अगर आपको पैन कार्ड की आवश्यकता है तो आप बहुत ही आसानी से आधार कार्ड की तरह ऑनलाइन पीडीएफ के रूप में अपना पैन कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं। सो आगे इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप पैन कार्ड डाउनलोड करने का पूरे प्रक्रिया बताने वाला हूँ, तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए। मेरा नाम है राजकुमार और आपका अपना ही चैनल राजल पे आपका स्वागत है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो आगने से पहले हमेशा आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। आधार कार्ड की तरह पैन कार्ड भी पीडीएफ के रूप में डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है, उसके बाद आपको गूगल ओपन कर लेना है और गूगल पे आपको टाइप करना है पैन कार्ड डाउनलोड। इस तरह से आप लिख लीजिए पैन कार्ड डाउनलोड। पैन कार्ड डाउनलोड लिख के आपको इस तरह से सर्च कर देना है। जैसे आप पैन कार्ड डाउनलोड लिख के सर्च करेंगे तो पहले वाले लिंक आपको NSDL का देखने को मिलेगा, तो अगर आपका NSDL से बना है पैन कार्ड तो आपको इस पर क्लिक करना होगा। और दूसरा लिंक यहाँ पे आपको UTI का देखने को मिलेगा, तो अगर आपका UTI के माध्यम से पैन कार्ड बना है तो उसके लिए आप ये दूसरे वाले लिंक पे क्लिक कर दीजिए। मैं इस वीडियो में आपको NSDL का डाउनलोड करने का प्रक्रिया बताने वाला हूँ, तो इस तरह से आपको पहले वाले लिंक पे क्लिक कर देना है। पहले वाले लिंक पे आप जैसे ही क्लिक दोस्तों आप इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। अब आपको इस तरह से इसको तो नीचे की तरफ आना है। पहले नंबर में यहाँ देखिए पूछा जा रहा है एनक्लोजमेंट नंबर के माध्यम से डाउनलोड करना चाहते हैं या पेन नंबर, जो आपको बेस्ट लगता है उस माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं। बेस्ट रहेगा पेन, तो आपको सिंपली क्या करना है पेन पे क्लिक रहने देना है। उसके बाद जो पेन कार्ड डाउनलोड करना चाहते हैं वो पेन नंबर आपको यहाँ पे एंटर कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको आधार नंबर एंटर कर लेना है। उसके बाद आपको इस तरह से स्क्रॉल करना है और जो भी आपका जन्मतिथि है, जन्मतिथि का जो ईयर है, जैसे मान लीजिए कि आपका जन्मतिथि का ईयर है 1996, तो ये वाले कॉलम में आपको 1996 लिख लेना है और जिस महीने आपका जन्म हुआ वो मंथ आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। तो इस तरह से आप मंथ सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको इस तरह से स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आना है और यहाँ पर देखिए कुछ जानकारी दिया गया, इन्हें आपको पूरे बारीकी से पढ़ लेना है और पढ़ने के बाद ये जो बॉक्स दिया गया इस बॉक्स पर आपको क्लिक कर देना है। इस बॉक्स पे आप जैसे क्लिक दोस्तों इस तरह से यहाँ पे राइट चिन्ह लग जाएगा। अब आपको इस तरह से इसको नीचे की तरफ आना है और यहाँ पे जो भी कैप्चा कोड देखने को मिलेगा हूबहू वैसे कैप्चा आपको यहाँ पे एंटर कर लेना है और उसके बाद आपको सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। सबमिट बटन पे आप जैसे क्लिक दोस्तों अब यहाँ पे आपका पूरा डिटेल्स खुलकर आ जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपका पैन नंबर देखने को मिल जाएगा। पैन नंबर के साथ जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा वो मोबाइल नंबर लास्ट का 4 अंक देखने को मिलेगा। उसके बाद आपके पेन में जो ईमेल आईडी रजिस्टर्ड होगा वो ईमेल आईडी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपके एरिया का पिन कोड देखने को मिलेगा। अब आपको इस तरह से स्क्रॉल करना है। अब पैन कार्ड डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आप OTP वेरिफिकेशन किस माध्यम से कराना चाहते हैं, ईमेल आईडी या मोबाइल OTP, जो आपको बेस्ट लगता है उस पर क्लिक कर दीजिए। मैं इस तरह से मोबाइल नंबर पर क्लिक कर दिए। उसके बाद आपको इस तरह से स्क्रॉल करना और यहाँ पे पूरा जानकारी दिया गया है, इन्हें आपको पूरे बारीकी से पढ़ लेना है और उसके बाद इस बॉक्स पे आपको इस तरह से क्लिक कर देना और जनरेट OTP पे इस तरह से क्लिक कर देना है। जनरेट OTP पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके मोबाइल पे OTP आएगा। OTP आपको यहाँ पे एंटर कर लेना और उसके बाद आपको वैलिडेट पे इस तरह से क्लिक कर देना है। वैलिडेट पे आप जैसे ही क्लिक दोस्तों अब आपको इस तरह से इसको तो नीचे की तरफ आना है। पहला डाउनलोड ई पेन पीडीएफ और दूसरा डाउनलोड ई पेन XML। तो बेस्ट रहेगा पीडीएफ, आपको सिंपली ये पहले वाले पे डाउनलोड ई पेन पीडीएफ पे इस तरह से क्लिक कर देना है। डाउनलोड ई पेन पीडीएफ पे आप जैसे ही क्लिक दोस्तों आपका पैन कार्ड का पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। अब आपके पैन कार्ड में पासवर्ड लगा होगा, तो पासवर्ड कौन सा होगा, तो जो आपका जन्मतिथि है वही पासवर्ड होते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका जन्मतिथि है 1 जनवरी 1995, तो 01 उसके बाद जनवरी का फिर 01 लिखना है और 1995 आपको कुछ इस प्रकार से आपको अपना जन्मतिथि लिखना है, यही आपका पासवर्ड होगा। तो जो भी आपका जन्मतिथि है आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे पासवर्ड एंटर कर लीजिए। उसके बाद आपको ओपन बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप ओपन बटन पे क्लिक करें दोस्तों इस तरह से आपका पैन कार्ड ओपन हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरह से आप बहुत ही आसानी से आधार कार्ड की तरह पैन कार्ड को भी पीडीएफ के रूप में डाउनलोड कर सकते हैं। अभी इसमें एक समस्या जरूर देखने को मिलेगा दोस्तों कि अगर आप अपना पैन कार्ड पीडीएफ के रूप में डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमेशा डाउनलोड नहीं होते हैं। अगर आपने नया अप्लाई किए हैं तो उस एनक्लोजमेंट नंबर के माध्यम से आप 1 महीने के अंतराल में जितने बार चाहे उतने बार डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका पैन कार्ड बना हुआ काफ़ी दिन हो गया और ऐसे में आप अपने पैन कार्ड का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसके लिए पहले आपको 8 रुपये 90 पैसे करके लगभग 10 रुपये के अंदर में ही आपको ऑनलाइन पेमेंट भुगतान करना होगा और उसके बाद आप जो सो अपना पैन कार्ड पीडीएफ के रूप में डाउनलोड कर पाएंगे।
सो दोस्तों आज की वीडियो में जानकारी था, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, और आपके मन में कोई सवाल, कोई कन्फ्यूजन या कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं।